हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, एक्चुअली में अगर हम बात करें कि प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म एक पिरामिडल पीस है ग्लास का विथ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस। आपने अपनी साइंस की लैब में देखा भी होगा, प्रिज्म कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम बेसिकली थ्योरेटिकल बात करें, तो वो ऐसा पीस है ग्लास का जिसमें दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस होते हैं। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज। तो अगर हम बात करें एंगल प्रिज्म के अंदर, तो दो एडजॉइनिंग, ये आप देख सकते हो, दो एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसिस, मैंने कहा था साइड वाले लेटरल सर्फेस होते हैं, तो ये लेटरल सर्फेस है, इनको जॉइन करने वाला जो एंगल रहेगा उसको हम कहेंगे दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 10th चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहाँ आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे इंसिडेंट रे के बारे में, एमरजेंट रे के बारे में। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको हम 10th चैप्टर में डिस्कस भी कर लेंगे दोबारा। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे, बच्चों हम कहेंगे जो रे आ रही है हमारी, जो भी लाइट का सोर्स है हमारा उससे, तो इंसिडेंट रे हमारी यहाँ पर आती है प्रिज्म के अंदर, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और उसके बाद वो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव करती है। जो बाहर की तरफ हमारी रे अब इमर्ज हुई है उसको हम कहेंगे एमरजेंट रे, और जो हमारी रे यहाँ पर जो भी लाइट का सोर्स था हमारा उससे आई उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारा टोटली ग्लास प्रिज्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बच्चों हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे एंगल्स हमारे यहाँ पर दो तरीके से रहेंगे। एक है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि जो ये रे है एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने नॉर्मल इस पाथ से यहाँ तक कितनी डेविएट हुई ना, इस पाथ से यहाँ तक ये कितनी डेविएट हुई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये कहा यहाँ पर कुछ नंबरिंग दे दी गई है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये एन बी किस तरह से, आप अपनी मर्जी से भी कुछ मतलब लाइक ए बी सी डी ऐसे मेंशन कर सकते हो। तो मेन है आपका इसके अंदर इंसिडेंट रे, एमरजेंट रे ये यहाँ पर स्ट्रेट रहेगी, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। तो बच्चों अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन के बाद जो मेन हमारा आता है कि नॉर्मल जो वाइट लाइट है वो किस तरह से स्प्लिट होती है प्रिज्म के अंदर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं अगेन, ये प्रिज्म यहाँ गिवन है, और ये नॉर्मली हमारी सनलाइट है या बल्ब लाइट है, जो बीम ऑफ लाइट है हमारी, जो भी लाइट का सोर्स हमने ले रखा है। सोर्स से मेरा पर्पज़ है यहाँ पर बताने का कि जिसमें से लाइट हमारी निकल रही है। ठीक है, जिसकी लाइट हम यूज़ कर रहे हैं रेज को। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट है, जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर एंट्री करती है, तो वो 7 कलर्स में यानी कि 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है। दोबारा समझना, सिंपली जो हमारी लाइट है उसने एंटर किया, उसके बाद वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो जिसका भी मतलब लिस्ट डेविएशन है जिस कलर का, वो यहाँ सबसे पहले, जिसका मैक्सिमम डेविएशन है वो सबसे बाद में। तो इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बनाता है। देखो यहाँ आपने समझना है जो लाइट का ये डिवीज़न है, ठीक है, जो लाइट ये हमारी इस तरह से डिवाइड हो रही है, दिस इज़ डिस्पर्शन। ओके, और ये 7 कलर्स में डिवाइड होना, दिस इज़ स्पेक्ट्रम, मतलब कलर्स में जो डिफ्रेंशिएशन है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। और जो लाइट हमारी यहाँ पर जो बैंड 7 कलर्स का बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, वो डिस्पर्शन की वजह से, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये हमारी एक वाइट स्क्रीन है जिसके ऊपर हमने ये 7 कलर्स का जो हमारा मतलब स्पेक्ट्रम है ऑब्टेन किया है। इस स्पेक्ट्रम को बच्चों आप विबग्योर से भी याद रख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ विबग्योर। ठीक है, विबग्योर हमारा यहाँ पर क्या शो करता है, विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये आप अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वाइट लाइट है जैसे ही ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्शन, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है। और स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, जो 7 कलर्स का बैंड हमारा बना है ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे एक यहाँ पर टर्म आती है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या है बच्चों, ये एक अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप है जो एक सिक्वेंशियल कलर्स को स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि विबग्योर किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 कलर्स को। अगर हम बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
वेवलेंथ के, यानी कि कलर्स की जितनी वेवलेंथ होगी उसके ठीक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। यानी कि अगर हमारी वेवलेंथ ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन एक चीज़ हमारी, मतलब ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो जो रेड कलर है यहाँ पर लीस्ट डेविएटेड कलर है क्योंकि इसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और जो वायलेट है वो मोस्ट डेविएटेड कलर है क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। अच्छा, पहले आप एक बार ये ज़रूर समझ लें यहाँ पर जो ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का पर्पज़ क्या है। देखो, अगर मैंने लिखा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं लिखूँ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इस तरीके से लिखा जाएगा इन्वर्सली। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, अगर एक इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ भी हमारी यहाँ पर सेम टाइम पे इंक्रीज़ होगी डायरेक्टली में बच्चों, ठीक है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बात करें तो एक चीज़ अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ हमारी डिक्रीज़ होती है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी कंसेप्ट वही है। एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमारा कब बढ़ेगा, जब वेवलेंथ कम होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज़ करेगा, मतलब दोनों अपोजिट चलेंगे। वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम याद देख सकते हैं जो रेड कलर है सबसे कम डेविएट हुआ क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। ओके, सेम एज इट इज़ वायलेट कलर पर अप्लाई होगा। तो वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन वाइट लाइट इज़ पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम क्यों बनता है जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं ग्लास प्रिज्म से, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बीच में आ गया है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ईच कलर हैज़ अ डेफिनेट वेवलेंथ एंड फॉर ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डेविएशन डिफर्स। ये हमने अभी डिस्कस भी किया कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशंस आएंगे। इसीलिए जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएटेड है, वायलेट कलर हमारा मोस्ट डेविएटेड है, इसीलिए कलर्स में डिफरेंस आ जाएगा और वो डिफरेंट एंगल्स पर स्पेक्ट्रम बनाएंगे जिससे हमारे जो सेवन कलर्स हैं रिप्रेजेंट होते हैं, शो होते हैं। देखो, यहाँ पर उसके बाद जो आइज़ैक न्यूटन हमारे साइंटिस्ट थे जो परफॉर्म कर रहे थे ये, उन्होंने देखा कि यहाँ थोड़ा ना एक इशू आ रहा है कि भाई चलो, उन्होंने मतलब ये चीज़ नोट करनी थी कि क्या सेवन कलर्स ही हमारे डिनोट होंगे, क्या सेवन कलर्स ही रिप्रेजेंट होंगे, क्या कुछ और भी हो सकता है। तो उन्होंने एक और प्रिज्म लगाया, कुछ खास काम नहीं हुआ, मतलब कुछ खास वो ऑब्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक और प्रिज्म लेकर उन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, यानी कि उल्टा। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा सीधा प्रिज्म एक रखा हुआ है, एक इन्वर्टेड है। तो उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वाइट लाइट आई, सेवन कलर्स में यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना हमारा। उसके बाद दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएगी वो एक पॉइंट पर, और जब वो दोबारा इमर्ज होगी तो वो एक वाइट लाइट की तरह इमर्ज होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाइट लाइट का पैच हमारा दोबारा बन गया है, जो सेवन कलर्स की यहाँ लाइट थी वो दोबारा से रिकम्बाइन हो गई है, कन्वर्ज हो गई है बच्चों वो एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे प्रिज्म के थे, ये आपको समझ आ जाने चाहिए। आइज़ैक न्यूटन ही हमारे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सनलाइट सेवन कलर से बनी हुई है ये प्रूव किया। तो ये सारे आइज़ैक न्यूटन के ही पॉइंट्स हैं कि उन्होंने किस तरह से सनलाइट को ग्लास प्रिज्म से पास किया और सेवन कलर्स का जो बैंड है ऑब्टेन किया। उसके बाद उन्होंने फर्दर इनको स्प्लिट करने की कोशिश की दूसरा प्रिज्म रखकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मतलब ज़्यादा कलर्स ऑब्टेन करने में फेल रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा से स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया, सनलाइट में सेम एज इट इज़ उन्होंने सारी चीज़ें रखी, प्रिज्म रखा, लेकिन जो दूसरा प्रिज्म है वो इन्वर्टेड पोजीशन में रखा। ये सारा जो हमने अभी डिस्कस किया उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जितने भी सेवन कलर्स थे वो सारे दोबारा से कंबाइन हो गए इन्वर्टेड प्रिज्म पर, और वो एक वाइट लाइट की तरह वहाँ से इमर्ज हो गए हैं। यहाँ पर आपने समझना है कि वाइट लाइट क्या होती है। वाइट लाइट हम किसे कहेंगे, कोई भी लाइट जो मिल करके एक स्पेक्ट्रम बनाए सनलाइट की तरह ही, या फिर सेवन कलर जब कंबाइन होकर एक हमारे सिंगल रे को इमर्ज करते हैं, तो उसी को हमने किसका नाम दिया है, वाइट लाइट का नाम दिया है। ओके, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज आपने यहाँ तक का कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई डाउट हो तो आप बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे।